तक आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये बॉय यहाँ पर पहुँचा कैसे, तो आपको बताते ये चलें कि हमें कुछ टाइम पहले सैमसन ग्रुप ने मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट पे, जहाँ पर पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट जिप लाइन्स खुली है, वहाँ पर इनवाइट किया कुछ और ब्लॉगर्स के हमरा, और हस्बे आदत मुफ्ते का नाम सुनते ही हमारे कान खड़े हो गए। इसी के साथ हम आपको स्वागत करते हैं एक नए व्लॉग के अंदर। तो हमने अपने सफर का आगाज इस्लामाबाद के F9 पार्क के मैकडॉनल्ड्स में ब्रेकफास्ट करके किया, यू नो, और वहां से हम निकल पड़े स्वात की तरफ। तो स्टॉप नंबर वन मेरे पीछे एट द मोमेंट जो मुझे बताया गया है वो है रामा पहाड़ियाँ। और गर्मी का आलम कुछ इस तरह का है कि समझ नहीं आ रहा यार कि ये कपड़े भी ज़्यादा लग रहे हैं। एट द मोमेंट हम एक चाय स्टॉप ले रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी कमेंडेबल है यहाँ के अथॉरिटीज़ के बारे में, उन्होंने यहाँ पे बाथरूम्स का सिस्टम स्टार्ट कराया, जिसे जो आज तक मैंने इस तरह का नहीं देखा। तो उन्होंने बेसिकली कंटेनर्स लेके बाथरूम्स बनाए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये मेरे पीछे काम हो रहा है, और उन्होंने बेसिकली एक कंटेनर को कन्वर्ट किया है ना बाथरूम, क्योंकि मैं आई वुड लाइक टू शो यू फ्रॉम द इनसाइड एज वेल। ऊपर से चीज़ें आ रही हैं यार, मुझे मारना मत यार। तो ये दीज लुक रियली गुड, आई मीन एज बाथरूम्स दीज आर लाइक प्रॉपर प्राइम क्वालिटी बाथरूम्स। तो सो अ वेरी गुड जॉब बाई हुएवर इज रनिंग दिस प्रोजेक्ट। खैर, बाथरूम्स में फुल यस होने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ फिर से। उसके बाद ज़रा पीछे माहौल बनना शुरू हुआ, और उसी के साथ साथ हमने क्रॉस किया अपना पहला टनल। तो जिस तरह हम आगे बढ़ते गए, मौसम आहिस्ता आहिस्ता बोल्ड होता गया, एंड आई विल लेट यू बी द जज ऑफ दैट। चलिए, स्टॉप नंबर टू, हम ऑलमोस्ट स्वात से कोई 2-1.5 घंटा दूर हैं, और एट द मोमेंट सिर्फ मौसम कुछ ऐसा बेईमान हुआ है कि हम आपको क्या बताएं, आपको दिखाते हैं। दूसरे स्टॉप के बाद थोड़े ही आगे जाकर स्वात रिवर शुरू हो गया, और ऑनेस्टली वो व्यू जितना खूबसूरत था, हमारा कैमरा शायद उसे उस तरह जस्टिस नहीं दे सकता जो उसे मिलनी चाहिए है। आहिस्ता शाम होती गई, और हमने अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच कर फाइनली थोड़ा आराम शरीफ फरमाया। सुबह जागे तो सैमसन जिन के एक खूबसूरत व्यू ने हमारा इस्तकबाल किया, और भाई जान पैसे पूरे होने शुरू हो चुके थे। साढ़े नौ बजे का टाइम था ब्रेकफास्ट का, पूरे 9:30 बजे बंदा आर्मी टाइम पे ब्रेकफास्ट टेबल पे मौजूद है, और टेबल है जी खाली।
तो जितनी देर में हमने बाकियों का इंतज़ार किया उस टाइम तक हम अपने एनडी फिल्टर से ज़रा पंगे लेते रहे। ब्रेकफास्ट जो है पीछे आ चुके हैं और पूरी टेबल खाली है। लाएं जी। नाश्ते के बाद हमने रुख किया मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट का। नाज़रीन कराम, हम पहुंच चुके हैं ज़िपलाइन पे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कोई बड़े नेक्स्ट लेवल किस्म का सीन एट द मोमेंट लग रहा है। तो वहाँ पहुँच कर हमें ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से एक ब्रीफिंग दी गई। जो मैं कहूँगी वही होगा, ठीक है? अभी कोई चेयरलिफ्ट पे नहीं जाएगा, सो देयर आर अदर एक्टिविटीज आल्सो। गाइस कैन ट्राई लीप ऑफ फेथ, ठीक है? देयर इज अ वॉल क्लाइंबिंग वॉल, ये भी आप लोग करें। लेकिन उसी के साथ साथ ख्वातीन को पीछे छोड़ जाने के अटेम्प्ट में डेथ थ्रेट्स भी। मैं आपको चेयरलिफ्ट से नीचे गिराना चाहती हूं। आप मुझे क्यों चेयरलिफ्ट से नीचे? क्योंकि आप हमें भूल के आ रहे थे। देखिए यार, मेन को भूल के नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, हम आपको चेयरलिफ्ट से नहीं गिराएंगे। कुछ एक्सीडेंट टाइप कुछ हो सकता है। हो सकता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट यू शुड बी केयरफुल। चेयरलिफ्ट पे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। खैर, लोगों को पीछे छोड़कर जाने की आदत तो हमारी पुरानी है। यू शुड आस्क माय यूनिवर्सिटी मेट्स। लीप ऑफ फेथ की बारी आई तो हमने थोड़ी सी ज्यादा ही फुर्ती दिखा दी और नीचे पहुंचकर थोड़ा सा सीन बैड हुआ। एनीवेज, कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं हुई। तो उसके बाद हम चल पड़े चेयर लिफ्ट की तरफ। पर हम आ चुके हैं और अब हम ट्राई तो करने जा रहे हैं नीचे कि किस तरह हम ज़िपलाइन कर सकें, लेकिन हमारे पास जो कैमरा है और जो हमारे पास बैग है, ये पहने हुए ज़िपलाइन कैसे की जा सकती है? दैट इज़ गोइंग टू बी अनदर चैलेंज। तो फर्स्ट टाइम में हमें ज़िपलाइनिंग का मौका नहीं मिला क्योंकि हमारी बारी मार ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने। मौका मिला तो मिला पकौड़े खाने का। कभी आपने जिंदगी में देखा है किसी किसी प्लेट को इतनी टेंशन मिली हो? फॉर इवन वन, व्हाट डू यू हैव? वी हैव साइड का व्यू गंदा है। देखें ये इतनी क्या है, ये क्या है, ये बताइए। हेलो हेलो, अच्छा ओके। तुम पे के पहुंच गए कितने प्यासा दगड वहा दगड वहा दगड वहा हो गया हो गया। मुझे पर्सनली अभी तक कोई ट्रिप की ऐसी चस नहीं आई थी और मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी जिससे मैं शायद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता, अनटिल वी गॉट हियर। चलिए, वी अबाउट टू गो, वी अबाउट टू गो ट्यूबिंग, हियर इट इज। तो जब हमारे बॉयज तस्वीरें खिंचवाने में मसरूफ थे, हम जरा अपनी जिंदगी को मच मोर प्रोडक्टिव बनाने में मसरूफ थे। थैंक यू। अच्छा जी, सो वी आर गोइंग टू ट्राई स्वीट टूथ्स फ्री ब्राउनी और टेस्ट टेस्ट। उसी का डालते ना, शेक पी लेते हैं। That's how random people take pictures of you when you're in swat.
आपका भाई आर्चरी में तो शुरू से ही एक्सपर्ट है और जैसे ही हमारी कमान से पहला तीर निकला ये कैसे किया और फिर हम अपने जिप लाइनिंग की क्वेस्ट में अटेम्प्ट नंबर 2 मारने निकले पहली दफा मैं वी नेवर गॉट अ चांस टू गो ऑन द जिप लाइन सो वी आर ट्राइंग अगेन और होपफुली दिस टाइम हमें मौका मिल जाएगा अच्छा जी सो वी आर बैक एट द टॉप हमारे पास अपना कैमरा नहीं है तो हम फ़ोन से बना रहे हैं वीडियो क्योंकि ऊपर आप कैमरा लेके इस तरह आ नहीं सकते तो भाई फाइनली फिर से हमें ट्राई मिलने लगी है और उम्मीद ये है कि ये फ़ोन जो है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं ये एक पीस में ऑल द वे क्रॉस कर जाए बिकॉज अगर नहीं किया तो ये दिस इज़ द लास्ट टाइम यू विल बी वॉचिंग अ वीडियो ऑन दिस सो भाई व्लॉग में ऐसे ही होता है तसल्ली है तो मेरे पास अब एक बड़ा सिंपल सा डिसीजन था और वो ये था कि मैं अपने फ़ोन की परवाह किए बगैर एक हाथ से ज़िपलाइन करूं या मैं अपने फ़ोन को आराम से अपने बैग में डालूं और सुकून के साथ ज़िपलाइन करूं तो आप लोगों के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए हम अपना जान का नजराना पेश करने वाले हैं दे तो हुआ है वो सेल्फी स्टिक चले आप लोगों के लिए हम जान का नजराना पेश कर रहे हैं इस अपने फोन को दांव पे लगा के दुनिया के सारे एक्सपीरियंसेस एक तरफ और ये एक्सपीरियंस जो है ना वो एक तरफ भाई वाओ मस्ट कम हियर यू मस्ट कम टू मालम जब्बा यू मस्ट गो ऑन द चेयरलिफ्ट एंड देन यू मस्ट गो ज़िपलाइनिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस ज़िपलाइनिंग का मार्का मारने के बाद हम निकल पड़े अब्दुल्ला कुरैशी के कॉन्सर्ट इन स्वात में यस यू हर्ड दैट राइट अब्दुल्ला कुरैशी इन स्वात अपनी 4x4 में हमने क्यूल बॉयज़ की तरह एक क्रेजी एंट्री मारी और बाकी के पैसे वहां पर पूरे होने वाले थे आजा, आजा।